एवरीवन वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर गुड। गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाव स्किन साइंस का मुरक्कन आर्गन हेयर ऑयल का रिव्यू एंड डेमो। अगर आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोगों को करना है इस वीडियो को लाइक। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो गाइस बिफोर फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। So I have been using for couple of months now because it's my job to try out new product. I am trying always new product. मेरा job है कि मैं new products try करती हूँ जिससे कि मैं आप लोगों के साथ अपना honest review and demo आप लोगों के साथ share कर सकूँ। Silky, smooth, shiny, thick, long and beautiful hair हर किसी की ख्वाहिश होती है। But क्या ये possible है? तो गाइज मेरा आंसर होगा येस। बस अगर हम अपने हेयर की अच्छे से केयर करते हैं लाइक हेयर मास्क, हेयर स्पा, हेयर ऑयलिंग, तो इट इज पॉसिबल। बट हमारे हेयर से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। कुछ लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो कुछ लोगों को हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों के हेयर्स होते हैं बहुत ज्यादा फ्रिजी, कुछ लोगों के हेयर बहुत ज्यादा डैमेज्ड होते हैं, कुछ लोगों के हेयर्स की ग्रोथ रुक जाती है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि आप लोगों की हेयर प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम करेगा एंड उसे खत्म करेगा एंड आपके हेयर्स को सॉफ्ट, स्मूथ एंड मैनेजेबल बनाएगा। एंड गाइस बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा बिकॉज काफी सारे डीएम्स आते हैं मुझे कि आपके हेयर्स बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गए, आपके हेयर्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, आप अपने हेयर्स के लिए क्या करते हैं। अलग से मैं अपने हेयर के लिए यूज नहीं करती हूँ, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ आप लोगों को, जैसे हम अपने स्किन की, अपने फेस की, अपने बॉडी की केयर करते हैं वैसे ही आपको अपने हेयर की केयर करनी है। वीकली मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ, हेयर मास्क लगाती हूँ जो कि मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ एंड एक अच्छा केमिकल फ्री शैम्पू एंड मास्क या कंडीशनर यूज करती हूँ। वाव के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको मैं पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। पैराबीन फ्री, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं एंड दे आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, काफी अफोर्डेबल होते हैं तो हर कोई इसे अफोर्ड भी कर सकता है। 100% वीगन होते हैं। बहुत सारे वीडियोज मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए एंड आगे भी आप लोगों के साथ वाव के प्रोडक्ट्स की काफी वीडियोज आएंगी बिकॉज आई लव वाव प्रोडक्ट्स। अच्छी बात यह है कि ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है फॉर स्ट्रॉन्गर, थिकर एंड ग्लॉसियर हेयर एंड आई रियली रियली लाइक नॉन स्टिकी हेयर ऑयल बिकॉज दे आर प्रिटी इजी टू वॉश ऑफ विदाउट यूजिंग टू मच शैम्पू। ये देख लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग एंड इसकी इनर पैकेजिंग है। तो बात करते हैं इसके आउटर पैकेजिंग की, तो ये ऐसे गोल्डन कलर के कार्डबोर्ड पैकेजिंग के साथ आता है। यह है वाव स्किन साइंस मुरक्कन आर्गन हेयर ऑयल नॉन स्टिकी हेयर ऑयल फॉर स्ट्रॉन्गर, थिकर एंड ग्लॉसियर हेयर। मुरक्कन आर्गन ऑयल ब्लेंड एंड ये है प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, नो मिनरल ऑयल, नो सिलिकॉन्स एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो मिल जाएगी आपको 200 ml की ये बॉटल है। इसके बैक साइड पे आपको फुल इंफॉर्मेशन मेंशन की हुई है तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। सो फर्स्ट हम बात करते हैं मुरक्कन आर्गन ऑयल। मुरक्कन आर्गन ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड फॉर इट्स न्यूमरस हेल्थ एंड ब्यूटी बेनिफिट्स। एक्सट्रीमली रिच इन विटामिन ई एंड फैटी एसिड्स, इट इज़ एक्सीलेंट फॉर हेयर एंड स्कैल्प। तो इसमें विटामिन ई एंड फैटी एसिड्स है जो कि हमारे हेयर एंड हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, हाइड्रेट्स हेयर इंटेंसिवली, एक्सीलेंट फॉर रिड्यूसिंग हेयर लॉस एंड बूस्टिंग हेयर थिकनेस। ये हमारे हेयर लॉस को कम करता है एंड हमारी जो हेयर की थिकनेस होता है उसे बूस्ट करता है। नेक्स्ट है स्वीट आलमंड ऑयल, रिच इन विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B6 एंड ई, ग्लॉसियर एंड सॉफ्टर हेयर। इसमें बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो हमारे हेयर को ग्लॉसी एंड सॉफ्ट बनाता है। इसमें है कोकोनट ऑयल, रिच इन मीडियम चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डेट हेल्प हाइड्रेट हेयर इंटेंसिवली। नेक्स्ट है ग्रेप सीड ऑयल, रिच इन विटामिन ई एंड लाइनोलिक एसिड, स्कैल्प इन बूस्ट ब्लड फ्लो, रिड्यूस हेयर लॉस, स्कैल्प इन्फेक्शन। ये हमारे हेयर का जो ब्लड फ्लो होता है उसे इंक्रीज करता है, हमारे हेयर लॉस को रिड्यूस करता है एंड हमारे हेयर के जो स्कैल्प होता है उसमें इन्फेक्शन होता है उसे भी कम करता है। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, ओमेगा 6, बूस्ट हेयर ग्रोथ, स्कैल्प नरिशिंग केयर। ये हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है एंड हमारा जो स्कैल्प होता है उसे नरिश करता है। नेक्स्ट है जोजोबा ऑयल, रिच इन विटामिन B, C एंड ई एंड ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स लाइक कॉपर एंड जिंक। ये हमारे हेयर को इम्प्रूव करना है एंड हमारी क्वालिटी को भी अच्छा करता है। हाउ टू यूज़, आपको इसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड यहाँ पे एक टिप भी दी हुई है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप इस हेयर ऑयल को कैसे अप्लाई करना है वो भी इसमें दिया हुआ है एंड आप इस हेयर ऑयल को ओवरनाइट भी रख सकते हैं एंड आप इसको वीक में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें स्टोरेज है कि आपको इसे कूल एंड डार्क एंड ड्राई प्लेस में रखना।
ये हेयर ऑयल मुझे इसलिए इतना ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ ये ग्लूटेन फ्री है, 100% वीगन है, क्रियोल्टी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है, बायो एक्टिव स्किन केयर एंड मेड इन द हिमालयाज है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका जो प्राइस है वो है 599 रुपीज़, बट इसमें आपको हमेशा ऑफ मिलता रहता है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसकी आउटर पैकेजिंग के पीछे आपको एक QR कोड मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्ले स्टोर में जाना है एंड डाउनलोड करना है QR एंड बारकोड स्कैनर ऐप, एंड आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसे डाउनलोड किया है तो मैं डायरेक्टली इसे ओपन करूँगी। एंड इस प्रोडक्ट के पीछे जो ये QR कोड हमें मेंशन किया हुआ है, आपको उसको स्कैन कर लेना है। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ओपन हो जाएगा। इससे ये होगा कि प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी का आपको पता चल जाएगा एंड आप इसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। एंड अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका एक और प्लस पॉइंट है, जब भी आप QR स्कैन करेंगे या QR कोड को स्कैन करते हैं तो यू कैन गेट एडिशनल क्रेडिट पॉइंट इन योर अकाउंट, एंड इसे आप क्या कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट परचेज में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग के बारे में। तो अगेन ये एक आपको गोल्डन कलर की पैकेजिंग के साथ आपको मिल जाएगा, एंड इसमें भी सब कुछ वही मेंशन किया हुआ है जो कि इसके आउटर पैकेजिंग में मेंशन है कि वाओ स्किन साइंस मोरक्कन आर्गन ऑयल एंड नो मिनरल ऑयल नो पैराबीन, सब कुछ इसमें सेम वही मेंशन किया हुआ है जो कि इसके आउटर पैकेजिंग में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इसकी, अगर आपका हेयर टाइप या आपका स्कैल्प किसी भी टाइप का है तो ये हेयर ऑयल आपके हेयर को बहुत ही अच्छे से सूट करेगा, एंड इसमें कोई भी मिनरल ऑयल एंड कोई भी सिलिकॉन नहीं है। सी गाइज, आप लोग देख सकते हैं मैंने इस बॉटल को पूरा हाफ कर लिया है बिकॉज मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया, एंड सिर्फ इसे मैंने ही नहीं मेरी फैमिली में भी इसने बहुतों ने यूज़ किया है। एंड आपको ये ऐसे एक पंप पैकेजिंग के साथ मिल जाता है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ने इसकी इनर पैकेजिंग, इसकी आउटर पैकेजिंग तो सब देख लिया। देन अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हमें इस हेयर ऑयल को कैसे यूज करना है, तो आप वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है, एंड उसके बाद मैं इसको नॉर्मल ऐसे अपने पाम में लेके मैं डायरेक्टली इसको अपने हेयर में अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं इसको अपने फिंगर टिप की हेल्प से अपने स्कैल्प में अच्छे से इस हेयर ऑयल के क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। एंड अगर आप चाहें तो आप इसको एक बाउल में लेके हल्का सा गर्म कर सकते हैं अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है, एंड आप इसकी अच्छे से मसाज कर सकते हैं। आपको जेंटली हाथों से जेंटली मसाज करनी है अपने स्कैल्प में, अपने रूट में एंड अपने टिप्स में। आप देख सकते हैं मेरे जो टिप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से अपने रूट से लेके टिप्स तक इसको अप्लाई करूँगी, एंड लास्टली मैं इसको अच्छे से मसाज करूँगी। मैंने अपने हेयर में अच्छे से ऑयल लगा लिया, एंड उसके बाद मैंने एक बन बना लिया। एटलीस्ट मैं इसको 1 से 2 आवर रख के मैं इसको वॉश करके देन मैं फिर आपसे अपना रिजल्ट शेयर करती हूँ। हेयर को कर लिया अच्छे से वॉश, एंड अब आप मेरे हेयर में ना क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। आपने मेरे हेयर की पहले कंडीशन देखी थी कि वॉश के लिए मैंने नॉर्मल शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ किया है, वो भी आप लोगों के पास शैम्पू एंड कंडीशनर अवेलेबल है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट जितना हो सके आप केमिकल फ्री या सल्फेट फ्री शैम्पू एंड कंडीशनर ही यूज़ करें। एंड लुक एट माई हेयर। मेरे हेयर को काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बना दिया है। हेयर ऑयल को 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एंड गाइस, मैं अपने घर चली गई थी तो वहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीवी से यूज़ करती थी, एंड उससे भी काफ़ी अच्छा लगा है हेयर ऑयल। मेरे हस्बैंड भी इसे यूज़ करते हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जबकि हमारे हेयर की क्वालिटी अलग अलग होती है। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर कितने ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड शाइनी हो गए हैं। एंड मैं अगर आपको अपने हेयर लेंथ दिखा दूँ कि मेरी हेयर लेंथ ना बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मतलब मेरे कमर से काफ़ी ऊपर थे, बट अब मेरी जो हेयर हो गए हैं वो कमर से भी नीचे पहुंचते हैं। तो मुझे ना लॉन्ग हेयर बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मुझे क्या हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे हेयर लॉन्ग हो।
आप लोगों को यूज करना है वाओ का ये वाला हेयर ऑयल है। श्योर कि आप लोगों को ये वाला हेयर ऑयल बहुत ज्यादा पसंद आएगा या एक दो हफ्ते के बाद ही आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड फर्स्ट वॉश में ही ना आपको अपने हेयर्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड शाइनी लगेंगे। आप वाओ का ये वाला हेयर ऑयल जरूर ट्राई करिए, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं इसको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोगों को इसको एक बार ट्राई करना है, आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो जो भी कुछ है वो मैं आप लोगों के साथ इसका लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं एंड अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। गाइस अगर आप लोगों की इस हेयर ऑयल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां आप लोगों के मैसेजेस का, आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगी। गाइस दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बाय।